बसमरिम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स आज चैप्टर ट्वेंटी सेवन का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस अफेक्ट सो लेट्स स्टार्ट जो ग्रीन हाउस अफेक्ट है सबसे पहले हम इसमें ग्रीन हाउस को पढ़ेंगे फिर उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे फिर उसका अफ़ेक्ट क्या होता है हम उसे डिस्कस करते हैं फिर हम इसके काजिज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस अफेक्ट ग्रीन हाउस हैज़ मैनी ग्लास विंडोज़ थ्रो विच लाइट रेज फ्रॉम द सन पैनी ट्रेट इन साइड अच्छा जी जो जो ग्रीन हाउस होता है ना वो बहुत सारी शीशे की विंडोज से बना होता है ग्लास विंडोज से बना होता है जिसमें लाइट सन से सन से लाइट जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर एंटर होती है ठीक है प्लांट्स और जो सॉइल होती है वो सन लाइट को अब्ज़ॉर्ब करती है और जब ये रेडिएट होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू टू लॉन्गर वेव लेंथ इन्फ्रा रेड रेडिएशन ये इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ है इन्फ्रा रेड रेडिएशन में ये कन्वर्ट हो जाती है और ये इसके अंदर एस्केप हो जा इसके अंदर फंस जाती है पेनिट्रेट कर जाती है और बाहर एस्केप नहीं कर सकती एब्जॉर्बड हो जाती है तो ये जो एक प्रोसेस है जिसमें लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और वो एस्केप नहीं होती इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ग्लास डज नॉट अलाउ रेज टू एस्केप आउटसाइड जो ये ग्लास है ग्लास शीट है ये रेज को बाहर जाने से रोकती है सो जिसकी वजह से जो हीट है वो अंदर ज़्यादा होती जाती है हीट रिमेन्स विद इन ग्रीन हाउस तो टेम्परेचर इनक्रीज़ हो जाएगा यही रोल बेटा सी ओ टू का है कि एटमोसफेयर में सी ओ टू जिस तरह ग्लास शीट काम कर रही है इसी तरह सी ओ टू का काम है सी ओ टू ऑफ़ एटमोसफियर बिहेव सेम एज डेट ऑफ ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस ये क्या करती है सी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सन बट डू नॉट अलाउ टै लेकिन ये उसे बाहर जाने नहीं देती सो so, टेम्परेचर <coughs> जो है ना वो एटमोसफेयर को वो इंक्रीज हो रहा है इसको हम कहते हैं दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ कॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इंशाल्लाह हम अभी आगे पढ़ते हैं अच्छा काज़ क्या काजीज है काजिज़ है जी ओवर अर्ब अच्छा मेन जो जो इसका कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कि जो एटमॉस्फेयर की सी ओ टू है वो सन लाइट को अब्जॉर्ब करती है और उससे आउटसाइड एस्केप नहीं होने देती जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है और इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ़ एटमॉस्फेयर दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस अफेक्ट काजिज़ ओवर अर्बनाइजेशन ज़्यादा आबादी का होना डीफॉरेस्टेशन जब आप जंगलात काटेंगे तो बेटे जी सी ओ टू जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सी ओ टू को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन सनतकारी से भी जो है वो ग्लो ग्रीन हाउस अफेक्ट हो रहा है आल दीज फैक्टर्स ये तीनों फैक्टर्स जो है ना वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ कॉल ग्लोबल वार्मिंग अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है इफ़ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू देन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स विल मेल्ट अगर ये इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग जारी रहे तो आइस कैप्स बर्फ़ानी चोटियाँ ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते जाएंगे अब कुछ इसके ये जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेंट सोर्सेस और हार्मफुल फैक्ट्स इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक दो आपकी बुक में भी पॉइंट लिखे हुए हैं आप निवान से भी कर लेने हैं क्लोरो फ्लोरोबन एरोजल स्प्रे ऑफ फॉर्म्स एक तो ये स्प्रे से भी क्लोरोफ्लोरोबन निकलते हैं जो एरोजल स्प्रे जो परफ्यूम्स वगैरह एयर कंडीशनर्स हमने ये पढ़ा हुआ क्लोरो का है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स एयर कंडीशनर्स है रेफ्रिजरेटर है और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर सी टू का काम क्या है ये पावर स्टेशन एंड फोसल फ्यूल से निकलती है सो इसका सोर्स क्या है पावर स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट एम आते हैं यहाँ से कि सी टू का हार्मफुल इफेक्ट क्या है एसिड रेन की वजह बनता है लंग कैंसर की वजह बनता है और ब्रीदिंग डिसऑर्डर की वजह बनता है लेड कंपाउंड का सोर्स क्या है कम्बजशन ऑफ लेडिड पेट्रोल जब ले, ले, ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड बहुत ज़्यादा हो जब वो उसकी कम्बजशन होती है जब उसकी कम्बजशन होती है तो बेटे जी उससे लेड पॉइजनिंग होती है और ब्रेन डैमेज भी करता है सो माई डियर स्टूडेंट डेट वाज अबाउट दि टॉपिक ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ़ एटमोसफेयर दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तो एटमोसफियर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं सो डैट वॉज द टॉपिक ऑफ द डे थैंक यू वेरी मच